हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सबका डाउटनट की सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? सो अब हम लोग फाइनली टर्म टू की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पता है मेरे बच्चों को हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा डर लगता है, तो हम लोग शुरुआत हिस्ट्री से ही करेंगे, क्योंकि बहुत ही फन और ईजी तरीके से हम लोग हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर से, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। नाम सुन के डरना नहीं है, मुझे पता है थोड़ा सा लेंदी नाम है, थोड़े भारी भारी शब्द भी दिख रहे होंगे, पर उतना ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है? तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, इस चैप्टर को हमें इन डिटेल और बहुत ही फन और ईजी तरीके से कवर करना है, ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में आप लोग मेरे साथ क्या क्या समझने वाले हो, हम समझेंगे कि सोशल चेंज कैसे आया, ठीक है? मतलब कैसे सोसाइटी उस दौरान धीरे धीरे चेंज होने लगी, ठीक है? ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, उस दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ये भी हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही साथ रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है? ये तो सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स है आपके हिस्ट्री बुक में से। सो इसको भी हम इसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था, क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले, आप में से काफ़ी सारे बच्चे तो मुझे जानते ही हैं, है ना? इनकेस नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? सो मैं अनुष्या हूँ, एंड आप लोग मेरे साथ सोशल साइंस को कवर करोगे। तो सोशल साइंस मतलब सारे हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को इन डिटेल कवर करेंगे। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इस चैप्टर का नाम पढ़ने के बाद, वो ये है कि बाकी सब तो ठीक है, ये क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है? इससे पहले तो हमने ये शब्द कहीं सुना नहीं है, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। सोशलिज्म इन यूरोप, है ना, ये वर्ड है हमारे चैप्टर के नाम में। तो सबसे पहले इस वर्ड को ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में मैं 10-15 बार तो इस वर्ड को यूज करूंगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा फंस जाए कि पता नहीं क्या चल रहा है, मैम पूरे लेक्चर में यही नाम बोलती रहती है, सोशलिज्म ये, सोशलिज्म वो। तो हम सोशलिज्म क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। अच्छा, सोशल साइंस में ना अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स के पीछे इज्म लगा देते हैं, आईएसएम, ठीक है? तो जब भी किसी वर्ड के पीछे आईएसएम लगता है, मतलब वो एक आइडियोलॉजी है, ओवर टाइम ये सोच, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके बना है। तो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है कि मान लो एक सोसाइटी है, ठीक है, मान लो कोई भी एक सोसाइटी है या कोई भी एक विलेज है, तो विलेज में जनरली क्या होता है, जो लोग अमीर होते हैं वो सारी चीजें खरीद लेते हैं, जो लोग बेचारे गरीब होते हैं वो लोग कुछ नहीं खरीद पाते, है ना? यही होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सामान खरीद सकते हो, अगर आप गरीब हो तो आपको कुछ नहीं मिलता। पर सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि नहीं, ये चीज गलत है, एक सोसाइटी में, एक विलेज में जितने भी लोग हैं उनको बराबर अमाउंट में सामान मिलना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज है, नॉर्मली विलेज में रिच लोग सारे पानी को आराम से खरीद के अपने पास रख लेंगे, पर सोशलिज्म में कहा जाता है कि विलेज में जितने भी लोग हैं सबको बराबर बराबर हिस्से का पानी बांटो, फर्क नहीं पड़ता वो अमीर हो गरीब हो, सबको बराबर बराबर तरीके से पानी या फिर कोई भी रिसोर्स बांटो, ठीक है? तो इसे सोशलिज्म कहा जाता है। और हम उस टाइम पीरियड के बात करेंगे, उस टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे जब सोशलिज्म धीरे धीरे फेमस हो रहा था हमारे इस दुनिया में, ओके? चलो तो एक हर्डल हमने पार कर लिया है, एक टॉपिक हमने समझ लिया है कि सोशलिज्म क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस को बराबर तरीके से सबको बांटना, इसी चीज को हम सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी इस चैप्टर को और आगे समझते हैं। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो याद है ना सारे बच्चों को, टर्म वन में आप बच्चों का एक चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था,
कि फ्रांस के लोगों ने क्रांति करी, रेवोल्यूशन किया, क्योंकि वो अपने राजा से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने अपने राजा को हटाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और धीरे धीरे वो लोग डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगे, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने ये पढ़ा था। अब पता है क्या होता है, फ्रांस को देख के यूरोप में बाकी सारी कंट्रीज इंस्पायर हो जाती हैं, ठीक है। अक्सर कहा जाता है व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब फ्रांस के लोग छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो यूरोप में बाकी सबको जुकाम हो जाता है। तो इसका यही मतलब है, जब भी फ्रांस के लोग कुछ करते हैं ना, तो यूरोप में अचानक से सडनली एक मोटिवेशन आ जाती है कि अगर फ्रांस के लोग ये कर सकते हैं तो शायद हम लोग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखने के बाद यूरोप में अलग अलग कंट्रीज ये सोचने लगती हैं कि अगर फ्रांस के लोग क्रांति ला सकते हैं, अगर फ्रांस के लोग बदलाव के बारे में बात कर सकते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस दौरान सोसाइटी में अलग अलग लोग आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, फ्रांस की तरह हमें भी अपने सोसाइटी को बदलने की जरूरत है, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं, फ्रांस ने कर लिया, बढ़िया है, हमें अपने सोसाइटी को बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम उन कुछ लोगों के बारे में समझेंगे। बेस्ड ऑन देयर थिंकिंग हम लोगों को तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन क्या उन्हें बदलाव चाहिए था या फिर क्या उन्हें बदलाव नहीं चाहिए था, हम लोगों को तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। तीन कैटेगरीज के नाम सुन लो पहले आप, लिबरल्स, रेडिकल्स और तीसरी कैटेगरी क्या है, कंजर्वेटिव्स। अगेन ये आप बच्चों के लिए नए टर्म्स हैं, न्यू टर्म्स हैं, हम एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि फ्रांस में सब कुछ बदल रहा था एंड उनको देख के यूरोप में अलग अलग टाइप के लोग सोच रहे थे कि शायद हमको भी बदलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, हमको बदलने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं लिबरल्स से, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं लिबरल्स कौन थे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ऐसे कहा जाता है कि ये जो फैमिली है, ये फैमिली बहुत ज्यादा लिबरल है, है ना। ऐसा आपने कभी सुना होगा कि कह रहे हैं कि ये जो फैमिली है ये बहुत लिबरल है। लिबरल में का मतलब क्या होता है, लिबरल वर्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में। लिबरल मतलब बहुत ओपन माइंडेड, बहुत खुली सोच के लोग, ठीक है। तो यहां पर भी SST में भी हम लोग ज्यादा मतलब चेंज नहीं कर रहे, लिबरल्स का मतलब SST में भी यही है, ऐसे लोग जो बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत खुली सोच हो जिनकी। तो लिबरल्स, क्योंकि ये लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सिस्टम में बदलाव जरूरी है, ठीक है। अब सिस्टम में बदलाव का क्या मतलब है, हम लोग जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा, उस टाइम पे राजा रानी हुआ करते थे, ठीक है। पर धीरे धीरे सब लोग अपने राजा और रानी से परेशान होने लग जाते हैं। तो लिबरल्स ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, हमें राजा और रानी की जरूरत नहीं है, हम सिस्टम में बदलाव लाते हैं, राजा रानी को हटाते हैं, ओके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोटिवेट होके लिबरल्स कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी फ्रांस के लोगों की तरह अपने सिस्टम को बदलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट वन जो कि आपको लिबरल्स के बारे में याद रखना है वो ये है, दे टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, ठीक है। उस टाइम पे यूरोप में क्या होता था बेटा, क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। तो लिबरल्स जो हैं उन्होंने ये मांग रखनी स्टार्ट करी कि ऐसा क्यों कि हम कुछ रिलीजन्स को बहुत बढ़िया मानते हैं, कुछ रिलीजन्स को बढ़िया नहीं मानते। तो लिबरल्स ने कहा इस चीज को बदलने की जरूरत है, हमें एक ऐसी कंट्री चाहिए जहां पे हर एक रिलीजन को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए, ओके। सो लिबरल्स ने ये कहना स्टार्ट करा कि हमें एक ऐसी कंट्री चाहिए जहां पे हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहना स्टार्ट करा कि राजा को हटाओ, डायनेस्टिक रूलर्स को हटाओ, मतलब राजा रानी इन सब लोगों के सिस्टम को हटाओ, ठीक है। तो अगर इनके सिस्टम को हटा देंगे फिर आगे क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट लेके आओ, ठीक है, कानून बनाना स्टार्ट करो। साथ ही साथ इन्होंने जुडिशरी के बारे में भी बात करी कि जुडिशरी के सिस्टम को ले आओ। जुडिशरी याद है सारे बच्चों को, जुडिशरी मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कोर्ट का सिस्टम, हमारे यहाँ कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट में जजेस होते हैं जो लोगों को इंसाफ देते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग जुडिशरी कहते हैं।
तो लिबरल्स ने कहना स्टार्ट कर दिया कि राजा रानी को हटाओ, पार्लियामेंट ले आओ, जुडिशरी ले आओ और सारे रिलीजन को बराबर तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। तो अभी तक आपको यहाँ तक सुन के लग रहा होगा कि मैम लिबरल्स तो बहुत ही बढ़िया लोग थे, है ना, बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं दिमाग में लग रहा होगा कि ये लोग तो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना बेटा कि लिबरल्स को हम कभी डेमोक्रेट्स नहीं कहते। डेमोक्रेट्स मतलब ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो लिबरल्स को डेमोक्रेट नहीं कहा जाता। आपके दिमाग में चल रहा होगा क्यों, है ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये लोग तो पार्लियामेंट बनाने की बात कर रहे हैं, राजा रानी को हटाने की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो इन्हें हम डेमोक्रेट्स क्यों नहीं कहते। क्योंकि बेटा डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि डेमोक्रेसी में हम सब लोगों को बराबर मानते हैं, है ना, सबको पता है। पर लिबरल्स ने ना यहां पे एक गलत पॉइंट बोला। लिबरल्स ने कहा कि सबको वोटिंग राइट दे दो पर विमेन को वोटिंग राइट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिबरल्स वैसे ऐसा मानते थे कि ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोटिंग राइट दो, बाकी विमेन को तो बिल्कुल भी वोटिंग राइट मत दो। तो क्योंकि लिबरल्स इक्वालिटी के ऊपर विश्वास नहीं रखते वोटिंग के मामले में, तो ऐसे में हम लिबरल्स को डेमोक्रेट्स नहीं कहते। इजी, लिबरल्स हमने समझ लिया क्या होता है, ऐसे लोग जो बदलाव चाहते हैं पर विमेन का डेवलपमेंट ये लोग ज्यादा इंकरेज नहीं करते, विमेन को राइट्स देना इस पे ये लोग ज्यादा विश्वास नहीं रखते। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट समझते हैं रेडिकल्स के बारे में। अब रेडिकल्स भी ऐसे लोग हैं जो राजा रानी को हटाना चाहते हैं, जो सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। अब आपको लग रहा होगा लिबरल्स और रेडिकल्स तो सेम हो गए, दोनों ही राजा और रानी को हटाना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। यहां तक तो आपको सही समझ आया कि लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों ही बदलाव चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही चेंज चाहते हैं, दोनों ही राजा और रानी को हटाना चाहते हैं। पर जो रेडिकल्स हैं बेटा, ये लोग विमेन को वोटिंग राइट देने के ऊपर विश्वास रखते हैं। रेडिकल्स को लगता है कि विमेन को भी राइट दो। ठीक है, तो इस मामले में रेडिकल्स लिबरल्स से ज्यादा बेटर थे। रेडिकल्स कह रहे हैं कि विमेन जो औरतें हैं हमारी सोसाइटी की, उनको भी वोटिंग के सारे राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, एक और चीज, एक और डिफरेंस जो कि आप याद रख सकते हो रेडिकल्स एंड लिबरल्स के बीच में, वो ये है कि जो रेडिकल्स हैं वो लोग जनरली पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। ठीक है, रेडिकल्स जनरली पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे और जो लिबरल्स थे वो जनरली थोड़े रिच हुआ करते थे। ठीक है, थोड़े रिच लोग थे। तो अब जो पुअर लोग हैं वो रिच लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो रेडिकल्स ने क्या कहना स्टार्ट करा कि बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा रिच लैंड ओनर्स हैं, जमींदार हैं, उनसे उनके प्रिविलेजेस, उनको जो खास ट्रीटमेंट मिलती है सोसाइटी में, वो छीनना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो रेडिकल्स के बारे में याद रखना, ये लोग जनरली पुअर लोग थे, तो ये लोग रिच लोगों के खिलाफ बोलते थे कि रिच लोगों को सोसाइटी में जो भी फायदे मिलते हैं वो हमें उनसे छीन लेने चाहिए। ठीक है, तो हमने लिबरल समझ लिया, साथ ही साथ रेडिकल समझ लिया, पर एक और कैटेगरी थी ना, वो कैटेगरी थी कंजर्वेटिव्स। ठीक है, कंजर्वेटिव, अगेन अगर आप इंग्लिश में ये वर्ड यूज करो कि ये जो फैमिली है ये फैमिली बहुत कंजर्वेटिव टाइप की है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मतलब ये पुराने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, बदलाव नहीं चाहते, मॉडर्न नहीं होना चाहते, ये मतलब होता है इसका इंग्लिश में। SST में भी हम इसका मतलब ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स कौन है, ऐसे लोग जो बदलाव नहीं चाहते। अब आप सोचोगे कि मैम ने तो कहा था कि उस टाइम पे ज्यादातर लोग राजा और रानी से परेशान थे, तो ऐसा कैसे कि कंजर्वेटिव्स कह रहे हैं कि नहीं राजा रानी बढ़िया है, उनके सिस्टम को मत बदलो, हमें बदलाव नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूं। तो मान लो आप कोई राजकुमारी हो या फिर आप कोई राजकुमार हो, प्रिंस या फिर प्रिंसेस हो, तो क्या आप चाहोगे कि राजा और रानी का रूल हट जाए? जाहिर सी बात है आप नहीं चाहोगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें आपको पावर मिल रही है ना। अगर आपके मम्मी पापा
राजा और रानी हैं और वो आपके कंट्री को संभाल रहे हैं, कितना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो कंजर्वेटिव्स भी ऐसे ही थे, ये लोग रॉयल फैमिली के लोग थे। तो रॉयल फैमिली के लोग तो क्यों चाहेंगे कि सिस्टम बदले और उनके हाथ से पावर चला जाए। तो कंजर्वेटिव्स कौन है? ये ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सिस्टम को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में जो भी कंजर्वेटिव्स थे उनको एक आइडिया लग जाता है कि बदलाव तो आके रहेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होगी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में कंजर्वेटिव्स अपने स्टेटमेंट को हल्का सा चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग सिस्टम को बदल लो, पर सिस्टम को धीरे धीरे बदलो, इस तरीके से बदलो कि हमें आप इज्जत दो। ऐसे नहीं कि अगले दिन अचानक से राजा रानी को हटा दिया, धीरे धीरे हमें रिस्पेक्ट देते हुए सोसाइटी को बदलो। तो ये कंजर्वेटिव्स का मानना था। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में तीन टाइप के लोग थे। लिबरल्स, जो सोसाइटी को बदलना चाहते थे पर विमेन को राइट्स देने में विश्वास नहीं रखते थे। रेडिकल्स, ये लोग भी सोसाइटी को बदलना चाहते थे पर विमेन को राइट्स देना चाहते थे। और कंजर्वेटिव्स, जो बदलाव नहीं चाहते थे पर धीरे धीरे कहने लग गए कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप सोसाइटी को चेंज कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज आने लगी और इंडस्ट्रीज के वजह से सब कुछ बदलने लगा। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है बेटा, पॉलिटिकली चीजें बदल रही होती हैं, है ना। कहीं पे राजा हट रहे होते हैं यूरोप में, कहीं पे राजा रानी को हटा रहे होते हैं, कहीं पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे होते हैं, तो पॉलिटिकली काफी कुछ बदल रहा होता है। सो धीरे धीरे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी आने लगते हैं। इसी दौरान कुछ कंट्रीज में कुछ इंडस्ट्रीज आने लग जाती हैं, और इंडस्ट्रीज अगर अचानक से किसी भी एरिया में नई नई इंडस्ट्रीज आ जाएं तो हमें पता है कि सब कुछ बदलने लगता है। तो इस दौरान नए नए शहर बनने लगे। कैसे नए शहर बनने लग गए? मान लो मैंने यहाँ पे एक इंडस्ट्री खोल लिया, ठीक है, मैंने आई लिखा है, मतलब एक इंडस्ट्री खोल ली हमने यहाँ पे। तो अगर इंडस्ट्री ओपन किया है तो लोग दूर दूर से यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। अगर काम करने के लिए आएंगे तो वो यहाँ आसपास रहना स्टार्ट कर देंगे इंडस्ट्री के। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके घर खरीदने लगे और रहना स्टार्ट कर दें तो एक नया शहर बन जाएगा यहाँ पे। तो इस दौरान क्योंकि इंडस्ट्रीज बन रही थी तो नए नए शहर भी बन रहे थे। साथ ही साथ बेटा रेलवे एक्सपैंड होने लग जाता है, क्योंकि लोगों को इधर उधर ट्रैवल करना है, इंडस्ट्री से घर जाना है, घर से इंडस्ट्री आना है। तो इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने लग जाता है, रेलवे का सिस्टम भी अच्छे से बढ़ने लगता है, और इसी टाइम को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज का जो सिस्टम है वो अचानक से बूम होने लग गया, हर जगह नई नई इंडस्ट्रीज आने लगी। तो हम इस पीरियड को, इस चीज को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अपनी प्रॉब्लम भी थी बेटा। सुन के अच्छा लग रहा है ना, नई नई इंडस्ट्री बन रही थी, नए नए शहर बन रहे थे, रेलवे आ रहा था, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जो हमको इन डिटेल समझना है। अब देखो, ये इंडस्ट्री पहली बार बन रही थी यूरोप में, तो यहाँ पे क्या होता था, ऑफन वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते थे और इन लोगों को सैलरी बहुत कम मिलती थी। तो इन लोगों को, वर्कर्स जो कि जाते थे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इन लोगों से दिन रात काम निकलवाया जाता था और इनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। तो जाहिर सी बात है वर्कर्स जो थे वो परेशान होने लग गए कि हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और हमको पैसे भी नहीं मिल रहे। उस दौरान मेन, विमेन और चिल्ड्रन, ये तीनों छोटे छोटे बच्चे भी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते थे, और वहाँ काम करने के लिए तो जाते थे ये बेचारे, सैलरी तो देखो इनको कुछ खास मिलती नहीं थी, इनको हाउसिंग भी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाता था, रहने की कोई जगह भी कुछ खास अच्छी दी नहीं जाती थी। इनको अक्सर कुछ कमरे देके बोलते थे कि जैसे मर्जी आप लोग शेयर करो और संभाल लो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे कमरे पकड़ा के कहते थे जैसे मर्जी शेयर कर लो इन घर को और इंडस्ट्री टाइम से आ जाना। सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती थी, वॉशरूम, टॉयलेट्स, ये सारी फैसिलिटीज इंडस्ट्री वाले लोग प्रोवाइड नहीं करते थे। ठीक है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन।
अब अगेन आपको लग रहा होगा अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन का क्या मतलब है, बेरोजगारी कॉमन होने लगी, ठीक है, बहुत आम बात हो गई कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ, तो अब आपको लग रहा होगा मैम कह रही हैं कि इंडस्ट्रीज बन रहे थे उस टाइम पे, फिर मैम ये भी कह रही हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे थे, ऐसे कैसे? तो ये मैं आपको बताती हूँ, इंडस्ट्रीज बन तो रहे थे बेटा, पर ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि नए नए इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो नई इंडस्ट्रीज आई, वो अचानक से बंद हो गई क्योंकि नया नया काम स्टार्ट हुआ है। अगर कभी डिमांड रुक जाता था, कोई दिक्कत आ जाती थी, तो ये झट से कंपनी को, इंडस्ट्री को बंद कर देते थे। तो ये जो वर्कर्स हैं, इनके पास कोई गारंटीड काम नहीं होता था। जैसे मान लो 2-3 महीने इन्होंने काम कर लिए, चौथे महीने इन्होंने इंडस्ट्री ओनर ने इंडस्ट्री बंद कर दी, तो झट से ये सारे लोग बेरोजगार हो जाते थे, अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। ऐसे में सारे जो वर्कर्स हैं वो जाते हैं लिबरल्स और रेडिकल्स के पास और बोलते हैं कि प्लीज इसका सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है, क्योंकि लिबरल्स और रेडिकल्स तो कह रहे हैं ना सबसे कि हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं हम। तो काफी सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऐसा सोचते थे कि लिबरल्स और रेडिकल्स कुछ करेंगे, बदलाव लाएंगे, ठीक है। चलो, तो एक मेजर पोर्शन को हमने कवर कर लिया है। इसका मतलब है कि अब हम एक बहुत ही छोटा सा क्विज करने वाले हैं, ठीक है, डरना नहीं है क्विज से, अभी जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना कुछ समझ आया या फिर क्या समझ नहीं आया, कहाँ पे अटक रहे हो, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरल्स। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है लिबरल्स के बारे में। ऑप्शन ए, दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट्स ऑल रिलीजन। उनको एक ऐसा नेशन चाहिए था जहां पे हर एक रिलीजन को टॉलरेट किया जाए। ऑप्शन बी, दे वर अगेंस्ट डायनेस्टिक रूलर्स, वो लोग राजा रानी के सिस्टम के खिलाफ थे। ऑप्शन सी, वो विमेन को वोटिंग राइट्स देने पे विश्वास नहीं रखते थे। और अगर आपको लग रहा है कि तीनों ऑप्शंस राइट हैं, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीस, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैं दे रही हूं। ओके, आप लोग सोचो और जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दो कि राइट आंसर क्या लग रहा है। आंसर कर दिया होगा सारे बच्चों ने अब तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे इसे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल चेंज। ऑप्शन ए लिबरल्स, ऑप्शन बी रेडिकल्स, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन था जो कि बदलाव के खिलाफ था, ठीक है, जिनको लग रहा था सोसाइटी को बदलने की जरूरत नहीं है, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। जल्दी से सोच के कमेंट सेक्शन में डाल दो, थोड़ा सा टाइम दे रही हूं मैं आप बच्चों को। आंसर कर लिया होगा सारे बच्चों ने, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि लिबरल्स के बारे में कौन सा पॉइंट सही लग रहा है। सो लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसी कंट्री बने जहां पे हर एक रिलीजन को बराबर वैल्यू दी जाए, बिल्कुल सही है, यही तो पढ़ा हमने। लिबरल्स चाहते थे कि राजा रानी को हटा दिया जाए, डायनेस्टिक रूलर्स मतलब किंग एंड क्वीन के सिस्टम को हटा दिया जाए, ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ा था। वो विमेन को वोटिंग राइट देने पे विश्वास नहीं रखते थे, हमने पढ़ा था ना, ये लोग कहते थे कि ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोटिंग राइट्स दो, तो ये भी सही है। तो अगर तीनों ऑप्शंस राइट हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीस, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको देख के लग रहा है कि ये लोग बदलाव के खिलाफ थे, ठीक है। ये हमें पता है कि लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों चाहते थे कि बदलाव आ जाए, कंजर्वेटिव्स शुरुआत में नहीं चाहते थे कि बदलाव आ जाए, बाद में ही कहने लगते हैं कि हाँ धीरे धीरे करके सिस्टम को बदल लो। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि इनिशियली कंजर्वेटिव्स बदलाव के खिलाफ थे, क्योंकि ये लोग रॉयल फैमिली के लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि राजा और रानी का सिस्टम हट जाए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है
ठीक है, क्विज के बाद आप बच्चों को थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक को कैसे कवर कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कहानी को और आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। कैसे सोशलिज्म का आइडिया धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। सोशलिज्म तो हमें याद है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कहा जाता है कि सोसाइटी में सारे लोगों को सामान बराबर बराबर तरीके से बांटो, ठीक है। तो कैसे यूरोप में धीरे धीरे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट फैलने लगता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में बेटा यूरोप में कोई सोशलिज्म इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, बात भी नहीं करते थे। पर धीरे धीरे ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म, ये धीरे धीरे करके यूरोप में कुछ लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा सोशलिज्म भी कुछ होता है और सोशलिज्म को भी हम लोग अपने सोसाइटी में फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे उस टाइम पर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने सोशलिज्म के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बोल दिया और आज के डेट में हम उसे सोशलिज्म कॉन्सेप्ट का पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन, ठीक है, रॉबर्ट ओवन उनका नाम था। एंड उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था न्यू हार्मनी, यूएसए में बनाया, इंडियाना यूएसए में इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई। कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम था न्यू हार्मनी, याद रखना नाम, याद रखना कोऑपरेटिव कम्युनिटी, न्यू हार्मनी का नाम याद रखना। तो रॉबर्ट ओवन और इनके साथ कुछ लोगों का मानना था कि सोशलिज्म फॉलो करने के लिए हमें कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की जरूरत है। कोऑपरेटिव कम्युनिटी का क्या मतलब है, मान लो चार पांच लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, साथ में पैसा लगा रहे हैं किसी काम के लिए, उसके बाद जो भी फायदा मिला उस फायदे को उन्होंने आपस में बराबर तरीके से बांट लिया। तो रॉबर्ट ओवन और काफी सारे लोगों का मानना था कि कोऑपरेटिव्स बना के अगर हम काम करेंगे तो वो सोशलिज्म को एनकरेज करने जैसा है। पर इसी दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि कोऑपरेटिव्स बनाना तो ठीक है पर कोऑपरेटिव्स बनाने में हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, हम लोग खुद सारा काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को हमें हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम कोऑपरेटिव्स बनाएं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में एक पर्सन थे लुई ब्लैंक, इन्होंने कहा कि हाँ सही कहा जा रहा है, कोऑपरेटिव जरूरी है सोशलिज्म के लिए, पर कोऑपरेटिव बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत है। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सोशलिज्म के बारे में उस टाइम पे बोला करते थे। पर दो मेन लोग हैं बेटा जिनका नाम आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो इतने फेमस हैं बेटा, अगर आप सोशलिज्म नाम लो तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले कार्ल मार्क्स आता है, इन्होंने बहुत कुछ कहा था सोशलिज्म के बारे में। और साथ ही साथ एक और पर्सन है फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों वैसे दोस्त हुआ करते थे। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का मानना था कि अगर आप सही में कहीं पे सोशलिज्म को फॉलो करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटलिज्म हटाना पड़ेगा, ठीक है। सोशलिज्म तो हमें पता है, अभी मैम ने कुछ और भारी सा शब्द बोल दिया, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है बेटा, सोशलिज्म का ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट। सोशलिज्म में क्या कहा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता कौन अमीर है कौन गरीब है, सबको बराबर तरीके से रिसोर्सेज दो। कैपिटलिज्म में कहा जाता है कि जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतना सामान खुद खरीद लेगा, मतलब अगर कोई अमीर है तो वो जाके खुद स्टोर से पानी खरीद लेगा, अगर कोई गरीब है तो उससे बोलो जाके पैसे कमाए तभी वो जाके पानी खरीद सकता है, ठीक है। कैपिटलिज्म में कहा जाता है पैसे हैं तो हम आपको सामान देंगे। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा अगर सोशलिज्म कहीं पे चलाना है तो पहले कैपिटलिज्म को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्रीज में अक्सर क्या होता था, एक बॉस होते हैं, एक मालिक होते हैं इंडस्ट्री के, और उनके नीचे मान लो 200 लोग काम कर रहे हैं। ये जो 200 लोग हैं इनको बहुत कम सैलरी दी जाती है, दिन रात काम करते हैं, इनको कोई फायदा नहीं होता। ये जो एक आदमी है एट द एंड ऑफ द डे, ये एक आदमी सारा पैसा लेके चला जाता है, सारा फायदा लेके चला जाता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था ये जो 200 लोग हैं इन्हें साथ में मिलके इस एक आदमी को हटा देना चाहिए, तभी एक सोसाइटी में सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे लोग कुछ कुछ कहते गए और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे धीरे
बनने लगा। इसी को हम कहते हैं कि ये सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है। लोगों ने अपने अपने आइडियाज बताए कि सोशलिज्म में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और धीरे धीरे आज के डेट में हम इन आइडियाज को ही सोशलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। कैसे धीरे धीरे लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करने लगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो सोशलिज्म है वो उतना फेमस कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं सोशलिज्म के बारे में, पर धीरे धीरे सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म हल्का सा फेमस होने लगा, लोग बातचीत करने लगे। तो 1870 की बात है बेटा, ये 1870 में क्या होता है, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है, इंटरनेशनल ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप का नाम था द सेकेंड इंटरनेशनल। क्या नाम था? द सेकेंड इंटरनेशनल। अब आपको लग रहा होगा सेकेंड का क्या मतलब है, फर्स्ट इंटरनेशनल रख देते, सेकेंड वर्ल्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे सेकेंड इंटरनेशनल का मतलब ये है कि पूरे दुनिया का पहला सिस्टम क्या था, कैपिटलिज्म। अब ये लोग कह रहे हैं कैपिटलिज्म हटाएंगे, सोशलिज्म लाएंगे, तो ये इनका दूसरा सिस्टम है, सोशलिज्म दूसरा सिस्टम है, इसीलिए इन्होंने अपने बॉडी का नाम सेकेंड इंटरनेशनल रखा। तो सेकेंड इंटरनेशनल में धीरे धीरे सोशलिस्ट, ऐसे लोग जो सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये लोग जाके इस इंटरनेशनल बॉडी को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज में भी सोशलिज्म पॉपुलर होने लग जाता है, जैसे कि इंग्लैंड और जर्मनी। इंग्लैंड और जर्मनी में सोशलिज्म की बात होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे सोशलिज्म सुन के ये लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, ये लोग बना रहे होते हैं वर्कर्स एसोसिएशन। वर्कर्स एसोसिएशन मतलब मान लो तीन वर्कर्स हैं, कुछ भी नाम रख दो, ए बी सी, इन तीनों के पास जॉब है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, अपने पैसों को जोड़ते जा रहे हैं किसी फंड में। अब मान लो अचानक से बी की जॉब चली जाती है, या बी के घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन सेविंग्स में से बी अपने थोड़े बहुत पैसे निकाल सकता है। ठीक है, तो इसे वर्कर्स एसोसिएशन कहा जाता है। तो इंग्लैंड और जर्मनी में कुछ लोग सोशलिज्म के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, और ये लोग वर्कर्स एसोसिएशन जैसी चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी दौरान अलग अलग पॉलिटिकल बॉडीज, पॉलिटिकल पार्टीज भी बन रही होती हैं, जैसे कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया जाता है, ब्रैकेट में SPD लिखा है बेटा। ठीक है, आपको लग रहा होगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तो SDP होना चाहिए, पर इनका ये जो नाम है ना, ये इनके जर्मन लैंग्वेज में है, हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, सही लिखा है वो। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनती है सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनती है। ओके, सो ये आप बच्चों को याद रख लेना है कि सोशलिज्म के सपोर्ट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बननी स्टार्ट हो जाती है। तो सोशलिज्म के बारे में काफी कुछ हमने पढ़ लिया है ना, कि धीरे धीरे सोशलिज्म फेमस हो रहा है, पर हम देखते हैं कि 1914 तक सोशलिस्ट या फिर ऐसे लोग जो सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, धीरे धीरे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट नो डाउट फेमस हो रहा था, पर अभी इतना फेमस नहीं हुआ कि पूरा यूरोप या पूरी की पूरी कंट्री मानने लगे कि हाँ हम लोग सोशलिज्म को ही फॉलो करेंगे। तो 1914 तक जिन भी लोगों ने गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट में या तो कंजर्वेटिव्स थे, या तो लिबरल्स थे, या तो रेडिकल्स थे, सोशलिस्ट नहीं थे। ऐसे लोग जो सोशलिज्म को मानते थे वो लोग ज्यादा नहीं थे। तो ये याद रखना, 1914 तक हम देखते हैं कि हर जगह सोशलिज्म की बातचीत हो रही है, पर कहीं पर भी गवर्नमेंट में सोशलिस्ट लोग ज्यादा नहीं जा रहे। ठीक है, चलो अब आप बच्चों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द रशियन रेवोल्यूशन। मैंने आप बच्चों को बताया था कि ये जो पार्ट है चैप्टर का, ये सुपर इंटरेस्टिंग है, पर हम लोग डायरेक्टली अभी कूद के कैसे क्रांति हुई, क्यों क्रांति हुई, वहां पे नहीं जाएंगे। अभी हम ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना। अक्सर क्या होता है, क्रांति के लिए एक माहौल चाहिए होता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर सब कुछ बढ़िया चलेगा तो हम अपनी गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहेंगे। अगर इंडिया में कल को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो शायद हम अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लगे। तो रशिया में भी कुछ तो हुआ होगा जिसके वजह से लोगों ने कहा बस बहुत हो गया, हमें क्रांति करने की, रेवोल्यूशन करने की जरूरत है। तो वो क्या हुआ, वो समझने के लिए हमें उस टाइम के रशिया को समझने की जरूरत है। ठीक है, कि क्यों वो लोग अपने राजा से परेशान थे,
क्या चल रहा था कि उनके दिमाग में रेवोल्यूशन का आइडिया आया। तो उसके लिए हम 1914 के रशिया को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज का रशिया आप में से काफी लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, रशिया को आप लोगों ने मैप में देख रखा होगा। उस टाइम पे जो रशियन एम्पायर था बहुत ही बड़ी कंट्री थी, वो कंट्री भी नहीं एक राज्य था, वो तो बहुत बड़ा राज्य था उनका। आज के डेट में हम जो कंट्री सुनते हैं ना, फिनलैंड, लातविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से, यूक्रेन, बेलारस, ये सारे जो हम स्टेट्स नेशन सुनते हैं आज के डेट में, उस टाइम पे ये सारी कंट्रीज रशियन राज्य का पार्ट थी। और इतने बड़े रशियन राज्य को संभाल रहे थे सार निकोलस टू, मैंने फोटो डाल दी है, ठीक है। सो ये उस टाइम के राजा थे रशियन एम्पायर के, ठीक है, पर इतने कुछ बढ़िया राजा नहीं थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, पर हाँ उस टाइम के ये राजा थे। रशिया में उस टाइम पे रिलीजन लोग क्या फॉलो करते थे, तो अगर हम रशिया को देखें तो कुछ लोग बुद्धिस्ट थे, कुछ लोग मुस्लिम थे, क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग जैसे सेक्ट होते हैं, कुछ लोग कैथोलिक्स थे, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है, ये होते क्रिश्चियंस ही हैं, अलग अलग सेक्ट होते हैं, अलग अलग आप मान लो डिविजन्स होते हैं क्रिश्चियनिटी में। पर सबसे ज्यादा किस रिलीजन को फॉलो किया जाता था रशिया में, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सबसे ज्यादा मेजॉरिटी रिलीजन क्या थी रशिया की, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। बाकी कुछ लोग बुद्धिस्ट थे, कुछ लोग मुस्लिम थे, कुछ लोग क्रिश्चियंस में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे, पर मेजर रिलीजन था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये भी क्रिश्चियनिटी का ही एक टाइप होता है। चलो अब हम रशिया के उस टाइम के सोसाइटी को थोड़ा बहुत समझते हैं, रशिया की इकोनॉमी क्या थी ये सब समझते हैं। तो रशिया में ज्यादातर लोग उस टाइम पे थे फार्मर्स, ठीक है, ज्यादातर लोग उस टाइम पे फार्मिंग किया करते थे। तो ये तो खैर हर जगह ऐसे ही होता था, हमारे इंडिया में भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा फार्मिंग चलती थी, और रशिया के लोगों के पास तो खैर जमीन भी बहुत ज्यादा थी, तो ये लोग फार्मिंग किया करते थे। पर रशिया में कुछ ज्यादा ही फार्मिंग होती थी, ये समझने के लिए थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं हम रशिया को और यूरोप के कुछ कंट्रीज को। जैसे फ्रांस और जर्मनी में भी फार्मिंग होती थी, फ्रांस में 40% लोग फार्मिंग करते थे, जर्मनी में 50% लोग फार्मिंग किया करते थे, पर रशिया में बेटा 85% लोग फार्मिंग करते थे, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा रशिया के लोग कुछ ज्यादा ही फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। एंड उस दौरान 1914 के दौरान थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कुछ कुछ करके इंडस्ट्रीज आने लग जाती हैं। उस टाइम बिल्कुल इंडस्ट्रीज नहीं थी रशिया में, धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज आने लगती हैं। तो दो शहर थे, दो सिटीज थी जहां पे इंडस्ट्रीज थी रशिया में, एक था सेंट पीटर्सबर्ग और एक मॉस्को। तो इन दो शहरों में थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज आने लगी उस टाइम पे, ऐसा नहीं था कि पूरा रशिया भर गया था इंडस्ट्रीज से, इन दो शहरों में इंडस्ट्रीज थोड़ी ज्यादा थी। सो 1890 तक क्या होता है, रशिया में धीरे 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 इंडस्ट्रीज बनने लगी। इंडस्ट्रीज बनने लगी तो क्या हुआ, रेलवे का नेटवर्क ज्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है, फॉरेनर्स आके पैसे लगाने लग गए इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इनका आयरन और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। और 1900s तक हम देखते हैं कि रशिया में काफी सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं थी, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में एक दो थी, पर फिर धीरे धीरे करके काफी सारी इंडस्ट्रीज रशिया में आने लग जाती हैं। तो पता है रशिया के जो लोग थे, जो गवर्नमेंट थी, वो लोग कहा करते थे कि हम लोग इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर रखेंगे ये देखने के लिए कि कहीं वर्कर्स को परेशान तो नहीं किया जा रहा, कहीं वर्कर्स को बहुत कम सैलरी देके दिन रात काम तो नहीं कराया जा रहा। तो गवर्नमेंट के लोग कहते थे कि हम लोग इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे, हम लोग अचानक से जाके फैक्ट्री में चेक करेंगे कि वर्कर्स खुश है या नहीं है। पर ये सब करने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को परेशान करके रखा जाता था। तो गवर्नमेंट कहने को इंस्पेक्शन के लिए आती थी, पर सबको पता था कि वर्कर्स से दिन रात काम कराया जा रहा था और उनको कुछ खास सैलरी मिल नहीं रही थी। और वर्कर्स भी जो थे बेटा, दे वर डिवाइडेड बाय स्किल, ठीक है, वर्कर्स ने आपस में भेदभाव कर रखा था। कुछ वर्कर्स अपने आप को बहुत बढ़िया मानते थे, कुछ वर्कर्स अपने आप को थोड़ा नीचा मानते थे। जैसे कि जो लोग मेटल वर्कर्स थे,
ठीक है, मेटल वर्कर्स मतलब ऐसे वर्कर्स जो मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, वो मानते थे कि वो सारे वर्कर्स में से सबसे बेस्ट हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि मेटल का काम सीखने के लिए टाइम लगता है, हार्डवर्क लगता है, तो इनको लगता था कि जो मेटल वर्कर्स हैं वो सबसे बढ़िया हैं, तो वो बाकी वर्कर्स को थोड़ा नीचा दिखाते थे कि देखो हम तो मेटल वर्कर्स हैं, हम लोग ज्यादा टाइम तक काम करते हैं, हमारा काम भी मुश्किल होता है। इसी दौरान विमेन भी थी, मैंने आपको बताया विमेन भी जाती थी काम करने के लिए, पर विमेन के साथ क्या होता था, 31% वर्कर्स विमेन थी, और अक्सर क्या होता था, विमेन और मेन सेम काम कर रहे होते थे पर विमेन को कम सैलरी दी जाती थी। दोनों काम सेम कर रहे होते थे पर विमेन को कम सैलरी दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको यह याद रखना है कि यहां पर भी रशिया में भी वर्कर्स एसोसिएशन बनाया जाता है, मतलब वर्कर्स का ग्रुप, ये लोग पैसे डालते हैं फंड में, अगर किसी वर्कर को कोई दिक्कत आई, जॉब चली गई, तो वो फंड से पैसे निकाल सकते हैं, तो वर्कर्स एसोसिएशन यहां पर भी बनाया जाता था। ठीक है, अब एक और चीज जो आप बच्चों को समझना है वो ये है कि वर्कर्स अक्सर आपस में लड़ा करते थे, पर जब भी उनको कोई काम निकलवाना होता था ना, तब अचानक से उनके अंदर यूनिटी और एकता आ जाती थी। आप इसे ऐसा समझो कि जैसे भाई बहन होते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं, पर जब भी मम्मी पापा से कोई काम निकलवाना होता है, अचानक से दोनों बहुत बढ़िया बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ था वर्कर्स के साथ, आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे, पर जब भी स्ट्राइक करनी होती थी कि पैसे बढ़ा दो या वर्किंग आवर्स कम कर दो, तो अचानक से ये लोग दोस्त बन जाते थे। ठीक है, तो ये तो हमने इंडस्ट्रीज के बारे में समझा, अब हम थोड़ा फार्मर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये तो हमने शहरों के बारे में बात करी, पर रशिया में विलेजेस भी थे, और विलेजेस में हमें पता था 85% लोग फार्मिंग करते हैं, बहुत सारे लोग खेती करते हैं, तो फार्मर्स में भी आपस में भेदभाव था। ठीक है, कैसे था, कुछ फार्मर्स थे जिनके पास छोटी जमीन थी तो वो अपने आप को नीचा मानते थे, कुछ फार्मर्स थे जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी तो वो अपने आप को बहुत बढ़िया मानते थे। ठीक है, पर आपको कुछ चीजें समझनी है कि रशिया के फार्मर्स बाकी कंट्री के फार्मर्स से थोड़े से अलग थे। कैसे, पॉइंट वन, रशिया के जो फार्मर्स थे वो नोबल्स को ज्यादा इज्जत नहीं देते थे, नोबल्स मतलब जो रिच लोग हैं, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, इनको इज्जत नहीं देते थे। काफी बार तो रशिया के लोग अपने ही नोबल्स के घर में जाते थे, उनको मर्डर कर देते थे, उनके घरों को भी तोड़ देते थे। ये चीज यूरोप के बाकी कंट्रीज में हमने ज्यादा नहीं देखी, फ्रांस में भी, फ्रांस के लोग कुछ हद तक इज्जत देते थे अपने नोबल्स को, रशिया में ऐसा नहीं चलता था। ठीक है, रशिया में हम एक और चीज देखते हैं कि रशिया के लोग मीर सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, मीर सिस्टम क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है फार्मिंग में, मान लो फार्मर वन है, फार्मर वन के पास अपनी खुद की जमीन है, फार्मर टू है, फार्मर टू के पास अपनी खुद की जमीन है, फार्मर वन अपनी जमीन को संभालेगा, जो फायदा मिला अपने पास ले जाएगा, फार्मर टू अपनी जमीन को संभालेगा, जो फायदा मिला खुद ले जाएगा। पर रशिया में क्या होता था, अक्सर ये लोग अपनी जमीन को जोड़ लेते थे, फार्मर वन और फार्मर टू अपनी जमीन को जोड़ लिया उन्होंने, और दोनों साथ में मिलके इस बड़ी जमीन के ऊपर खेती कर रहे हैं। खेती करने के बाद जो फायदा मिला ये लोग आपस में बांट लेते थे, और आपस में भी पता है कैसे बांटते थे, मान लो फार्मर वन के घर में 3 लोग हैं और मान लो फार्मर टू के घर में 7 लोग हैं, तो फार्मर टू के घर में ज्यादा लोग हैं तो फायदे में से ज्यादा हिस्सा फार्मर टू को दिया जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा लोगों का ध्यान रखना है। इसको मीर सिस्टम कहते हैं, काफी एरिया में इसे कलेक्टिवाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम भी हमने सिर्फ रशिया में ही देखा। ठीक है, तो रशिया के फार्मर्स इस मामले में थोड़े से अलग थे कि वो लोग कलेक्टिवाइजेशन करते थे और वो लोग नोबल्स को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे। ठीक है, चलो अब हल्का सा और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं रशिया के। रशिया में वैसे तो पता है बेटा पॉलिटिकल पार्टी बनाना बैंड था, अलाउड ही नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज बनाना 1914 तक, पर फिर भी इन्होंने एक पार्टी बनाई थी 1898 में, और उस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, पार्टी बनाना अलाउड नहीं था, पर कंट्रीज में चलता है ना काफी बार कि कुछ अलाउड नहीं होता फिर भी लोग इलीगल काम करते हैं, तो इन्होंने इलीगली एक पार्टी बनाई, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी।
हल्का सा लंबा नाम है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पार्टी के लोग हैं ये छुप छुप के काम करते थे, क्योंकि पार्टी बनाना अलाउड नहीं था, तो जाहिर सी बात है ये लोग छुप छुप के काम करते थे। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि 1900 में बनी, ठीक है। इस पार्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग इस पार्टी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। ये पार्टी आगे जाके दो हिस्सों में बंट जाती है, एक हिस्से का नाम था बोल्शेविक और दूसरे हिस्से का नाम था मेंशेविक। सो सेम पार्टी आगे जाके दो पार्टीज में बंट गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक पार्टी के लीडर का नाम था लेनिन, याद कर लो, अभी आगे लेनिन के बारे में काफी कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोल्शेविक पार्टी के लीडर का नाम था लेनिन। लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे रशिया के, उनके बारे में धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए ये याद रखो कि लेनिन बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे और उनका मानना था कि पॉलिटिकल पार्टी अगर बनाई है तो सिर्फ अच्छे गिने चुने लोगों को पार्टी के अंदर डालो। मेंशेविक पार्टी की बात करें तो मेंशेविक लोगों का मानना थोड़ा उल्टा था, वो मानते थे कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पार्टी के अंदर भर लो, ठीक है। चलो, तो आज हमने काफी सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है। हमने पढ़ा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से यूरोप में सोसाइटी बदलने लगी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स आए। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा और फिर हमने रशियन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन ले लिया। पर अभी तो क्रांति हमें देखने को ही नहीं मिली, है ना। अभी तो कहां राजा वाजा को तो हटा ही नहीं, कोई दंगे स्ट्राइक ये सब तो देखने को ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में रशियन रेवोल्यूशन का जो थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा बैटल वाला पार्ट है, वो हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। अगर यहां तक आप बच्चों को कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, फ्यूचर क्लासेस में क्लियर कर दिया जाएगा। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।